नमस्कार दोस्तों। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी एजुकेशन। आज हम लोग सॉल्व करते हैं टैंक से रिगार्डिंग क्वेश्चंस कि कोई वन टैप लगा हुआ है जो कि उस टैंक को भर रहा है और दूसरा टैप है जो उसको खाली कर रहा है, तो उससे रिगार्डिंग हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को हम पढ़ते जाएंगे और अकॉर्डिंगली सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ वन टैप कैन फिल ए सिस्टर्न इन 2 आवर। जो वन टैप दिया हुआ है वो एक सिस्टर्न जो टंकी है उसको 2 घंटे में भर देता है, और जो अनदर कैन एम्प्टी इन सिस्टर्न इन 3 आवर्स। जो अनदर है, जो दूसरा टेप दिया हुआ है, दूसरा नल दिया हुआ है, तो उसको 3 घंटे में खाली कर देता है। तो हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिल द सिस्टर्न इफ बोथ द टैप्स आर ओपन। अगर दोनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो वो टंकी कितने देर में भर जाएगी। तो सेम ये टाइम और वर्क रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो हम इसको सेम फंडा यूज करके, सेम ट्रिक यूज करके सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि वन टेप दिया हुआ है उसको हम मैं ए मान लेता हूँ कि ए उसको ये क्या होगा 2 आवर में भर देता है, तो 2 आवर में भर देता है। और जो बी मतलब दूसरा मान लेता हूँ वो उसको क्या है 3 आवर में खाली कर देता है, 3 आवर में। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा भर रहा है, तो मैं इसको प्लस से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो प्लस का मतलब हो गया कि उसको टंकी को भर रहा है और माइनस का मतलब हो गया कि उसको खाली कर रहा है। ओके, तो सेम ट्रिक यूज करेंगे हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए, सेम ट्रिक का यूज करेंगे। पहला क्या आपका कि टोटल यूनिट निकालना है, क्या आपको टोटल यूनिट निकालना है कि टोटल यूनिट कितना वर्क किया गया है। ठीक है, टोटल यूनिट वर्क कैसे निकालोगे, LCM ऑफ जो आपको टाइम गिवन होगा, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2.3 दिया हुआ है, तो इसका LCM निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्या है आपको निकालना है यूनिट पर डे, मतलब यूनिट पर डे यहाँ पर दिया हुआ है आवर, तो आप लोग क्या करेंगे यूनिट पर आवर मतलब 1 आवर में कितना टाइम ये लगा रहा है, तो आप क्या करेंगे यूनिट पर आवर निकालेंगे यहाँ से। तो यूनिट हो गया पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो कितना यूनिट फिल करता है, तो आपको ये 2 काम करने हैं बस। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे, यहाँ पर निकाल लिया हमने टोटल यूनिट, कितना टोटल यूनिट हो गया, तो टोटल यूनिट हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया 6 है, तो यहाँ पर हम लोगों को 6 यूनिट काम करना है। ठीक है, 6 यूनिट। तो अब यहाँ पर बात करेंगे तो हमको इसका निकालना है, पहला हमारा काम हो गया, पहला क्या है टोटल यूनिट निकालना था, टोटल यूनिट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरा निकालना है यूनिट पर आवर, तो यूनिट पर आवर के लिए हम लोग निकालेंगे यहाँ पर टोटल यूनिट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल यूनिट कितना है 6 है अपॉन टाइम कितना है 2 आवर, यहाँ पर हम लोग प्लस लिख लेंगे क्योंकि ये फिल कर रहा है टंकी को। ओके, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा यूनिट पर आवर, मतलब कि जो ए है वो 1 घंटे में 3 यूनिट फिल कर देता है। और सेम अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 टोटल यूनिट 6 हो जाएगा, लेकिन ये खाली कर रहा है टंकी को तो माइनस लिख लेते हैं, अपॉन में क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका माइनस का 2 यूनिट पर आवर, मतलब कि ये क्या है 1 घंटे में 2 यूनिट को खाली करता है। ठीक है, अगर अब जब दोनों एक साथ ओपन हो जाएंगे तो क्या, अगर हम दोनों को एक साथ ओपन कर दें तो क्या होगा, ये 3 ये 1 घंटे में 3 यूनिट फिल कर देगा और ये 1 घंटे में 2 यूनिट खाली कर देगा। तो अगर हम दोनों को देखें तो 1 यूनिट पर आवर, मतलब कि अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो 1 घंटे में 1 यूनिट को फिल कर पाएगा। ठीक है, तो हमको निकालना है कि कितने देर में, हाउ विल दे टेक टू फिल द सिस्टम इफ बोथ द ओपन। ओके, तो हम क्या निकालना है टाइम निकालना है, कितना आवर्स निकलेगा। ठीक है, टाइम्स आवर्स निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल यूनिट, यहाँ पर आपका हो जाएगा टोटल यूनिट अपॉन यूनिट पर आवर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल यूनिट कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ और यूनिट पर आवर कितना है 1, तो आपका आ जाएगा 6 आवर, तो आपका आंसर आ गया 6 आवर। अगर दोनों नल को या दोनों टेप को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो वो क्या 6 आवर में उस टैंक को फिल कर देंगे। थैंक यू।